नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के इस फटाफट अंदाज के 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हरियाणा से हैं तो ये बुलेटिन आप जरूर सुने। सोने के रेट लगातार हो रहे हैं कम तो चांदी की तेज हो रही चमक। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज करवा चौथ के मौके पर सोने के भाव करीब 50,000 के नीचे पहुंच गए हैं। उधर चांदी के रेटों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चांदी की आज फिर से रेट बढ़ गए हैं। सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है कि हर दिन सोने के भाव कम होते जा रहे हैं। साइबर सिटी में दिन दिहाड़े बदमाशों ने युवती को मारी गोली, साथ बैठे दोस्त पर भी फायरिंग। गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में आने वाले अपने दोस्त के साथ कार में जा रही एक युवती को मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली युवती के सिर में लगी। बदमाशों ने युवती के साथ कार में बैठे युवक पर भी फायरिंग की, लेकिन उसको गोली नहीं लगी। सेक्टर 65 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीटेट परीक्षा के लिए तिथि नोटिस जारी, देखें कब हो सकती है आपकी ये तैयारी। CBSE ने CIT परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को घोषणा की है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया जाएगा। शिक्षक बनना चाह रहे तो लाखों उम्मीदवार बेसब्री से नई परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि ये परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। फेसबुक फ्रेंड को होटल में बना लिया बंधक, वेश्यावृत्ति में धकेला, ऐसे छुड़ाई जान। रोहतक दिल्ली बाईपास के नजदीक एक होटल के ऊपरी हिस्से से लड़की ने कपड़े और सामान नीचे फेंका तो सनसनी फैल गई। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे कि पुलिस भी वहां पर आ गई, जिसके बाद पुलिस ने होटल खंगाला एक युवती को बरामद किया। मामला युवती को बंधक बनाने का निकला। युवती ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, वेश्यावृत्ति के धंधे में जबरदस्ती उसे धकेलने की कोशिश की गई। CM ने फसलों के भुगतान को लेकर दिखाई सख्ती, 7 दिनों के भीतर भुगतान करने के दिए निर्देश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीफ फसलों की खरीद में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसान को भुगतान 7 दिनों की निर्धारित अवधि में हर हाल में करना होगा। खरीद एजेंसी आढ़तियों में बैकर्स की तरफ से भुगतान में किसी प्रकार का विलंब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जे फार्म में आई फार्म का मिलान खरीद प्रक्रिया का आंतरिक मामला है, उनका मिलान बाद में किया जा सकता है, परंतु किसान का भुगतान सबसे पहले होना चाहिए। दिवाली से पहले पहले कोई भी भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री आज यहां धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। हरियाणा पुलिस का EASI और सिपाही 80,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के निरंतर चलाए जा रहे अभियान के तहत पलवल जिले के थाना मुंडकी कटी में तैनात EASI मोहम्मद इकबाल व मुख्य सिपाही धर्मेंद्र को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगो हाथों काबू कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पत्नी के लिए करवा चौथ का सामान लाने जा रहा था पति, रास्ते में हो गई मौत। करवा चौथ का व्रत पति की लंबे जीवन के लिए किया जाता है, लेकिन इसी दिन जब पति की मौत हो जाए तो उस औरत के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होगा, उसका संसार उजड़ जाता है। ऐसा ही दुखद घटना हुई हरियाणा के करनाल में। पत्नी के लिए करवा चौथ का सामान लेकर जा रहे कालराम गाँव के अजय शर्मा का करनाल NH अनाज मंडी के सामने हादसे में निधन हो गया। दुष्कर्म का विरोध किया तो मौसा मौसी ने कर दी लड़की की हत्या, बेड से मिला शव। दिल्ली के ताहिरपुर स्थित लेप्रोसी कॉलोनी में बेड के अंदर किशोरी की लाश मिलने की गुत्थी के नंद नगरी थाना पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने संबंध में किशोरी के मौसा व मौसी को गिरफ्तार किया है। इनकी शिनाख्त बिहारी निवासी वकील पोदार व सविता के तौर पर हुई है। 17 वर्षीय बेटी के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन विरोध करने पर उसने पत्नी के साथ मिलकर किशोरी की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी। हिसार में पंडित को प्रेम विवाह करवाना पड़ा भारी, हाईकोर्ट के आदेश FIR दर्ज। आपने सुना होगा कि प्रेम विवाह में लड़के के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो फिर लड़की के खिलाफ, लेकिन पंडित के खिलाफ FIR दर्ज करने का मामला पहली बार सामने आया है, जहां पर हिसार के पंडित पर आरोप है कि उन्होंने विवाह की तय आयु से कम में लड़की का विवाह करवाया। अब पुलिस इस पूरे मामले में जुटी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर विज ने SIT जांच की आदेश दिए हैं। जब सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस ही शिकायतकर्ता को धमकाने लगेगी तो फिर लोगों का इंसाफ कैसे मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही ऐसा हाई प्रोफाइल मामला कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में शिकायतकर्ता को अब हरियाणा की सियासत के गब्बर अनिल विज से इंसाफ की उम्मीद है, जिसके चलते विज ने अपने मामले में पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को SIT बनाकर मामले की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, फिर से एकाएक मामलों में देखने को मिल रही है बढ़ोतरी। हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही हरियाणा के 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव।
बुधवार को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले ही प्रदेश के दो विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम से भाजपा विधायक सुधीर सिंगला व सिरसा के कालावाली के विधायक शिषपाल केहवाला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुकल भी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मिली थी। बता देते हैं कि 5 नवम्बर को विधानसभा का सैन्यडाइजम मानसून सत्र दोबारा शुरू किया जा रहा है। अगस्त माह बुलाए गए मानसून सत्र के पहले भी मुख्यमंत्री व मनोहर लाल व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई अन्य विधायक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की डिमांड कर 1.5 लाख रुपए ठगे, केस दर्ज। गांव गड़ी छाजू के रहने वाले सोनू ने उसके भाई की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री रेलवीज को शिकायत दी है। इस पर समालखा पुलिस ने सोनू के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गांव गड़ी छाजू के रहने वाले एक युवक ने भाई को नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगे। सोनू ने बताया कि उसकी मुलाकात 9 महीने पहले जौरसी रोड के रहने वाले सुधीर उर्फ एस की चौधरी से हुई थी। सुधीर ने उसे बताया कि रेलवे में अधिकारी है और उसे हर हाल में नौकरी दिलवा देगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जाँच में जुटी है। नीतिका तोमर मर्डर केस में नीतिका के घर पहुंचे यूपी के विधायक संगीत सोम, बोले ये लव नहीं ये आतंकी जिहाद। यूपी के सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम बुधवार को फरीदाबाद में नीतिका तोमर के घर पहुंचे। करीब 30 मिनट तक नीतिका के पिता और भाई से घटना पर विस्तार से बात की। सोम ने जनगण्य हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि जब तक हथियारों को फांसी नहीं मिल जाती पूरा देश न्याय के लिए संघर्ष करता रहेगा। निकिता के परिवार के वालों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए पहुंचे संगीत सोम ने कहा कि निकिता बेटी ने अपनी परंपरा को झुकने नहीं दिया, उन्होंने जो बलिदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। हमारी माताएं बहनें पहले से मुगलों के खिलाफ जोहर करती आई है। नीतिका ने लड़ाई लड़कर समाज का नाम रोशन किया। आगे से ऐसा जिहाद ना हो, हम सब लोग ठोस प्रयास कर रहे हैं ताकि इसमें आगे से ऐसा ना हो। गुरुग्राम में आधी रात गुंडागर्दी, बाइक पर आए 3 बदमाशों ने कार को घेर कर चलाई गोलियां, बाल बाल बचा युवक, साथी युवक की हालत गंभीर। गुरुग्राम में बदमाशों द्वारा एक युवती को गोली मार दिए जाने की घटना सामने आई है। घटना उस वक्त की है जब रात 12 बजे वह अपने एक दोस्त के फ्लैट दिखाकर लौट रही थी। अचानक रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने घेर लिया। इसी दौरान उनमें से एक ने गोली चला दी जो युवती के सिर पर लगी। हालांकि इस दौरान उसका दोस्त बाल बाल बच गया। जहरीली शराब बनी काल, शराब पीने से फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत, पेट्रोल पंप मैनेजर की हालत भी गंभीर। हरियाणा के फरीदाबाद में जिले में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य शख्स जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। झाईसा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। डवाली से विधायक अमित सिंह ने खून से हस्ताक्षर करा, कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा है। कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत हल्का डवाली के विधायक अमित सिंह ने राष्ट्रपति को लिखे ज्ञापन पर अपने खून से हस्ताक्षर किए हैं। इस अभियान के तहत प्राथमिकता से हल्का डवाली के सभी गांवों से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से किसान मजदूर व आमजन के 15,000 से ज़्यादा हस्ताक्षर करवाकर हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सरजा को सौंपे हैं। विधायक ने बताया कि कृषि विरोधी कानूनों को लेकर पूरे देश में भारी विरोध है जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस अभियान को चलाकर आमजन के विरोध को राष्ट्रपति के समक्ष दर्ज करने की मुहिम शुरू की है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को सौंपने का काम करेगी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और सरकार इस पर झुकने को मजबूर हो। उधर बड़ौदा उपचुनाव में हरियाणा की बड़ौदा सीट पर 68% मतदान हो चुका है। 3 नवंबर हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट के लिए मंगलवार को हुए उपचुनाव में 68% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतदान शाम 6 बजे संपन्न हुआ था। कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 68% मतदान हुआ था। कांग्रेस विधायक कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद अप्रैल में बड़ौदा सीट खाली हो गई थी जिन्होंने 2009-14-19 के विधानसभा चुनाव में से इस सीट से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने इस बार इंदुराज नरवाल को अपनी उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल हरियाणा के 25 बड़ी खबरों में इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके।